हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मोमेंट ऑफ फोर्स ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके फोर प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स के और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे न्यू चैनल को विजिट करिए, जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स स्टडी के लिए बनाया है। हमारे न्यू चैनल का नाम है टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स और ये चैनल का लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें मोमेंट ऑफ फोर्स का फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा, अ रिजिड बार एबी इज सब्जेक्टेड टू द सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस एज शोन इन फिगर, रिड्यूस द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस टू एन इक्विवेलेंट, फर्स्ट सिंगल रिजल्टेंट, सेकंड फोर्स सिस्टम एट डी, थर्ड फोर्स सिस्टम एट ए। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया है वो आपके सामने है। ये एक पैरेलल फोर्स सिस्टम है और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं। वैसे क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा था कि फाइंड द सिंगल रिजल्टेंट, फर्स्ट बिट में लिखा था फाइंड द सिंगल रिजल्टेंट, इट मींस हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। सेकंड बिट में लिखा है फोर्स सिस्टम एट डी और थर्ड बिट में लिखा है फोर्स सिस्टम एट ए। तो चलो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ टाइम्स अभी तक ये प्रॉब्लम एग्जाम में आ चुका है। जब कभी भी एग्जाम में आता है तो 5 मार्क्स के लिए या 7 मार्क के लिए आता है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए। वैसे ये बेसिक प्रॉब्लम में से एक है, मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए इसमें कहा जाता है। ये जो सेकंड बिट और थर्ड बिट है वो स्पेशली मोमेंट के ऊपर है, तो वो कैसे सॉल्व करना वो भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट बिट है वो हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट बिट में रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है वो हमने इसके पहले मेथड ऑफ रिजोल्यूशन के हर एक प्रॉब्लम में बताए थे, आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपको रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करना वो समझ में आ जाएगा। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला ये है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूले से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होता है। और यहां अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर ये जो लिखा है इसका क्या अर्थ है तो वो आपको पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। इसका मतलब सिस्टम में जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनका समेशन आपको इसमें करना है और जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन आपको इसमें करना है। तो चलो देखते हैं कि यहां ये जो सिस्टम दिया है यहां सिस्टम में टोटल कितने फोर्सेस है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां टोटल 4 फोर्सेस है और ये चारों फोर्सेस वर्टिकल है, यहां कोई भी टाइप का हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। अगर यहां हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है इसका मतलब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यहां पे 0 हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे फर्स्ट बिट जो कि हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, इसलिए नंबर 1 में हम सबसे पहले रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का टेक्निक यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यहां पे जो कि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया 0। और अब हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने क्या तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, यहां जितने भी ऐसे वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन करना है। और समेशन करने का एक रूल होता है जो हमने इसके पहले हर एक वीडियो में बताए थे, समेशन करने का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस लेना है, अपवर्ड जाने वाले प्लस तो डाउनवर्ड आने वाले माइनस। तो चलो देखते हैं यहां अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या है। तो ये देखिए 20 न्यूटन जो है वो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो 20 न्यूटन प्लस में आएगा, ये 45 न्यूटन डाउनवर्ड है तो माइनस में हो जाएगा, ये 35 अपवर्ड जा रहा है तो प्लस में हो जाएगा और ये 25 डाउनवर्ड है तो ये माइनस में हो जाएगा। और अब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो ये सॉल्व करना काफी आसान, 20 - 45 + 35 - 25, तो ये आ चुका है -15। तो फाइनली हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मिल चुका है -15 किलो न्यूटन। और अगर ये समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई हमें मिल गया तो अब हम यहां पे रिजल्टेंट आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई ये दोनों वैल्यूज आपको यहां पुटअप करना है और यहां पुट करने के बाद आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। वैसे यहां पुट करने की भी जरूरत नहीं है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 है तो जाहिर सी बात है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर 0 है तो एफ ऑफ वाई का जो वैल्यू है वही वैल्यू रिजल्टेंट का हो जाएगा, यहां अंडर रूट के अंदर पुट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपके लिए हम यहां पे फार्मूला मेंशन करके इसके अंदर में हम पुट करके बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने फार्मूला लिख के अगर आपने उसके अंदर वैल्यूज पुटअप किए तो भी चलेगा, वैल्यूज नहीं पुटअप किए डायरेक्टली अगर आपने रिजल्टेंट 15 लिखे तो भी चलेगा, वैसे रिजल्टेंट 15 ही आने वाला है
क्योंकि एफ ऑफ एक्स यहां पे जीरो है, तो ये देखिए रिजल्टेंट हमें मिल चुका है, यहां पे रिजल्टेंट आ चुका है 15 किलो न्यूटन का, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जीरो है, एफ ऑफ वाई का यूज करके ही हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो एफ ऑफ वाई 15 है, तो हमने एफ ऑफ वाई की जगह 15 स्क्वायर यहां लिख दिया। माइनस यहां लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, इसलिए माइनस यहां मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो रिजल्टेंट हमें मिल गया 15 किलो न्यूटन। प्रॉब्लम में जो फर्स्ट बीट फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। ये है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और अब इसका डायरेक्शन की अगर बात करें तो इसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा, तो हम यहां लिखेंगे इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो हम यहां लिखेंगे डाउनवर्ड, तो इसका डायरेक्शन हमने साइड में लिख दिए डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों एक्ट होगा, देखिए बहुत ही सिंपल सा रीजन है, हमने जो रिजल्टेंट निकाले हैं वो एफ ऑफ वाई का यूज करके निकाले हैं, एफ ऑफ वाई का आंसर देखो माइनस में आया, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने क्या, तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, और समेशन का रूल हमने यहां पे बताए थे वर्टिकली ऊपर जाने वाले प्लस, इट मीन पॉजिटिव साइन स्टैंड्स फॉर अपवर्ड, तो निगेटिव साइन स्टैंड्स फॉर डाउनवर्ड। एफ ऑफ वाई का आंसर निगेटिव में आया, इट मीन एफ ऑफ वाई डाउनवर्ड जा रहा है, अगर एफ ऑफ वाई डाउनवर्ड जा रहा है तो रिजल्टेंट भी डाउनवर्ड जाएगा, वैसे रिजल्टेंट ही एफ ऑफ वाई है, या उल्टा बोलो एफ ऑफ वाई ही रिजल्टेंट है, क्योंकि देखिए एफ ऑफ वाई का मैग्नेट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नेट्यूड यहां पे सेम है, एफ ऑफ एक्स तो जीरो है, तो एफ ऑफ वाई ही रिजल्टेंट है, तो एफ ऑफ वाई का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन रिजल्टेंट का होगा, एफ ऑफ वाई वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, तो रिजल्टेंट भी वर्टिकली डाउनवर्ड, इसलिए हमने यहां ब्रैकेट में लिख दिए वर्टिकली डाउनवर्ड। और अब हम सेकंड बिट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है सेकंड बिट में फोर्स सिस्टम एट डी, वो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम यहां लिखेंगे सेकंड बिट में फोर्स सिस्टम एट डी, ये हमें फाइंड आउट करना है। फोर्स सिस्टम एट डी का मतलब क्या, फोर्स सिस्टम एट डी का मतलब समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट डी हमें करना है, और समेशन करने का रूल क्लॉकवाइज जाने वाले सभी फोर्सेस प्लस, ये समेशन का रूल है कि क्लॉकवाइज जाने वाले हमेशा आपको प्लस ले लेना है, तो फोर्स सिस्टम एट डी करना है, यानी ही समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट डी करना है, यहां जितने भी फोर्सेस हैं सभी फोर्सेस का मोमेंट हमें डी पॉइंट पे अप्लाई करना है। डी पॉइंट कहां पे है जरा एक बार चेक कर लो, ये देखिए डी पॉइंट यहां पे है ए सी डी बी, तो हमें मोमेंट एट डी करना है, तो चलो देखते हैं यहां मोमेंट कैसे लेना। तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, मोमेंट का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट ऐसा फोर्स होता है जो अप्लाई करने के बाद बॉडी या तो क्लॉकवाइज घूमती है या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। द फोर्स व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस द टर्निंग इफेक्ट और रोटेशनल इफेक्ट इज कॉल्ड मोमेंट फोर्स। जो फोर्स के वजह से बॉडी रोटेट करती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे फोर्स को मोमेंट फोर्स कहेंगे, और मोमेंट का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मोमेंट हमें अप्लाई करना है डी पॉइंट पे, यहां सभी फोर्सेस का मोमेंट हम डी पॉइंट पे लेंगे, लेकिन मोमेंट का एक रूल है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। यहां टोटल चार फोर्सेस हैं, चार में से जो भी फोर्स डी से पास हो रहा है वो फोर्स जीरो हो जाएगा, रिमेनिंग सभी फोर्सेस सेफ रहेंगे, जितने भी फोर्सेस सेफ रहेंगे वो मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। तो चलो देखते हैं चार में से कितने फोर्सेस यहां डी से पास हो रहे हैं, तो ये देखिए डी से यहां से पास हो रहा है 35 किलो न्यूटन, ये जो 35 किलो न्यूटन है ये डी से पास हो रहा है, तो 35 हो गया जीरो, उसका वे ऑफ एक्शन देखो डी से है। अब रिमेनिंग फोर्सेस जो सेफ है वो डी से पास नहीं हो रहे, वो सभी के सभी इक्वेशन में आएंगे, तो रिमेनिंग सभी फोर्सेस को हम चेक करेंगे कि वो डी के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जो भी फोर्स डी के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज आएगा वो हम प्लस में लेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो माइनस में आएगा। तो चलो हम देखते हैं यहां सबसे पहले ये 25 किलो न्यूटन को चेक करते हैं, ये नीचे जा रहा है कि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे चेक करना वो हमने इसके पहले के हर एक वीडियो में बताए थे, वो वीडियो आप देख सकते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करने के लिए जैसा आप सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ करने के लिए जैसा आप कॉम्पास का यूज करके आप सर्कल बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके यहां पे चेक करना है। मोमेंट डी पे है, ये देखिए ये दो फिंगर्स एज अ कॉम्पास है ऐसा मान के चलना है। मोमेंट डी पे है तो एज अ सेंटर एक फिंगर जो है वो डी पे रखो और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में आप घुमाओ और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंट डी पे है तो एज अ सेंटर जो है ये फिंगर जो है वो हम डी पे यहां सेट करेंगे। ये देखिए एक फिंगर हमने डी पे रखे और अब हम 25 को चेक कर रहे हैं, 25 नीचे जा रहा है तो हाथ को हमें नीचे घुमाना है। देखो मोमेंट डी पे है तो एज अ सेंटर फिंगर डी पे रखे, 25 नीचे जा रहा है तो हाथ को ऐसा नीचे घुमाओ, हाथ को हम ऐसा नीचे घुमाएंगे तो ये हाथ का मूवमेंट क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज हुआ, तो 25 हम लेंगे प्लस में, तो 25 हो गया प्लस में। और इनटू डिस्टेंस आपको करना है, मोमेंट आपने डी पे लिए हैं तो डी से लेके फोर्स तक का डिस्टेंस आपको लेना है। मोमेंट डी पे है तो डी से लेके फोर्स तक का डिस्टेंस, देखिए डी से लेके 25 तक का डिस्टेंस 2 मीटर, मोमेंट का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
ये फोर्स 25 इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2 मीटर। और अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ये 45 को चेक करेंगे, ये डी के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। मोमेंट डी पे है तो एज अ सेंटर एक फिंगर हमें डी पे रखना है, तो ये दो में से अब ये जो फिंगर है वो हम यहां पे डी पे रखेंगे। और अब 45 को चेक करेंगे, 45 नीचे जा रहा है तो हाथ को भी हम नीचे घुमाएंगे। मोमेंट डी पे है तो एज अ सेंटर ये फिंगर हमने डी पे रखा, 45 ऐसा नीचे जा रहा है, 45 नीचे जा रहा है तो हाथ को ऐसा नीचे घुमाओ, ऐसा हाथ को नीचे घुमाओ और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो, तो ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है डी के रिस्पेक्ट में, तो वो हम एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस में लिखेंगे। तो ये हो गया माइनस 45 इनटू डी से लेके 45 तक का डिस्टेंस, मोमेंट आपने जहां लिया है वहां से आपको डिस्टेंस काउंट करना है फोर्स तक का, तो ये है 2 मीटर, तो इनटू 2। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट फोर्स है ये 20 किलोन्यूटन, ये ऊपर जा रहा है, हम इसको चेक करेंगे कि ये डी के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। मोमेंट डी पे है तो एज अ सेंटर ये फिंगर हम फिर से डी पे यहां रखेंगे और 20 ऊपर जा रहा है, 20 ऊपर जा रहा है तो हाथ को ऐसे ऊपर घुमाओ और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। 20 ऊपर जा रहा है तो हाथ को हमें ऐसा ऊपर घुमाना है, तो ये ऐसा क्लॉकवाइज हुआ डी के रिस्पेक्ट में, तो 20 होगा प्लस में इनटू डी से लेके 20 तक का डिस्टेंस, तो डी से लेके 20 तक का डिस्टेंस ये है 3 मीटर, तो इनटू 3 मीटर। तो मोमेंट का इक्वेशन यहां बन चुका है और अब हम इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। ये 50 - 90 + 60, तो ये हो गया 20 किलो न्यूटन मीटर। तो ये देखिए किलो न्यूटन मीटर उसका यूनिट रहेगा, क्योंकि आप लोग मोमेंट में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर रहे हैं इसलिए किलो न्यूटन मीटर। तो फाइनली फोर्स सिस्टम में डी हमने सॉल्व कर लिए और अब हम थर्ड बिट सॉल्व करेंगे। थर्ड बिट में क्वेश्चन में लिखा था फोर्स सिस्टम एट ए, तो चलो अब हम थर्ड बिट सॉल्व करेंगे। फोर्स सिस्टम एट ए बिल्कुल ऐसा ही सॉल्व करना है, फोर्स सिस्टम एट ए। तो ऐसे में अब आप मोमेंट ए पॉइंट पे लेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए, फिर से क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस सभी फोर्सेस प्लस। तो मोमेंट अब ए पॉइंट पे है, तो मोमेंट ए पॉइंट पे है तो यहां जितने भी फोर्सेस है सभी फोर्सेस का मोमेंट अगर हम ए पॉइंट पे लेंगे तो देखते हैं समेशन ऑफ एम ए दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए क्या होता है। मोमेंट का रूल अप्लाई करो, मोमेंट का रूल हमने बताए थे, मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। यहां टोटल चार फोर्सेस है, आपने चार फोर्सेस को चेक करना है कि चार में से कितने फोर्सेस ए से पास हो रहे हैं, जो भी फोर्स ए से पास हो रहा है वो जीरो हो जाएगा। समेशन ऑफ एम ए हमें फाइंड आउट करना है, मतलब समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए। तो चार में से एक फोर्स जो है वो ए से पास हो रहा है, कौन सा, ये देखिए ये 20 किलोन्यूटन ये ए से पास हो रहा है, तो 20 किलोन्यूटन जीरो हो गया, रिमेनिंग सभी फोर्सेस सेफ है, रिमेनिंग कोई भी फोर्स ए से पास नहीं हो रहा है, तो रिमेनिंग जो भी फोर्सेस सेफ है वो मोमेंट के इक्वेशन में आएंगे, बस उनको चेक करो कि वो क्लॉकवाइज है ए के रिस्पेक्ट में या एंटी क्लॉकवाइज है। तो चेक करने का टेक्निक बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने इसके पहले बताए थे। तो चलो हम चेक करेंगे, मोमेंट ए पे है तो एज अ सेंटर जो है फिंगर जो है वो हम ए पे रखेंगे, तो ये दोनों में से ये जो फिंगर है वो फिंगर हम एज अ सेंटर फिंगर हमने ए पे रखा। और ये 45 को चेक करेंगे, देखिए 45 ऐसा नीचे जा रहा है, 45 नीचे जा रहा है तो हाथ को ऐसा नीचे घुमाओ, हाथ को नीचे घुमाओ और अपने हाथ का मूवमेंट ऐसा चेक करो, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, तो 45 लिखेंगे प्लस में इनटू ए से लेके 45 तक का डिस्टेंस दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है 1 मीटर। देन आगे बढ़ेंगे, ये 35 को चेक करेंगे, ये ऊपर जा रहा है और चेक करने का टेक्निक वैसे ही, मोमेंट ए पे है तो एज अ सेंटर जो है ये दो फिंगर में से ये जो फिंगर है ये हम ए पे रखेंगे। और 35 को चेक करें, 35 ऐसा ऊपर जा रहा है, फोर्स ऊपर जा रहा है तो हाथ को ऐसे ऊपर घुमाओ, क्योंकि फोर्स जो है ऐसा ऊपर जा रहा है, 35 ऊपर जा रहा है तो हाथ को हमने ऐसा ऊपर घुमा दिए और ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज हुआ 35। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लिखेंगे माइनस 35 इनटू ए से लेके 35 तक का डिस्टेंस, मोमेंट आपने ए पे लिया है तो आपको ए से ही डिस्टेंस काउंट करना है फोर्स तक का, तो ये हो गया 3 मीटर। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, जब भी कोई डिस्टेंस लिखते हैं तो डिस्टेंस हमेशा फोर्स पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, और ये डिस्टेंस जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर है। पहला डिस्टेंस जो हमने यहां पे 1 लिखे वो 45 पे परपेंडिकुलर था, दूसरा डिस्टेंस जो हमने यहां 3 लिखे वो भी ये डिस्टेंस और फोर्स दोनों परपेंडिकुलर थे। आगे बढ़ेंगे और अब ये 25 को चेक करेंगे, ये नीचे जा रहा है, चेक करेंगे कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, और चेक करने का टेक्निक बिल्कुल वैसे ही, मोमेंट ए पे है तो एज अ सेंटर एक फिंगर ए पे रखेंगे, तो ये दो फिंगर में से ये एक फिंगर जो है वो हम ए पे रखेंगे और देखेंगे कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो एज अ सेंटर फिंगर हमने ए पे रखा और वो 25 ऐसा नीचे जा रहा है, देखो वो 25 ऐसा नीचे जा रहा है तो हाथ को ऐसा नीचे घुमाओ, 25 नीचे जा रहा है तो हाथ को हमने ऐसा नीचे घुमाए और पूरा ऐसा नीचे घुमाए, तो ये क्या हुआ, 25 क्लॉकवाइज हुआ, तो 25 हो गया प्लस में, तो हम लिखेंगे प्लस 25 इनटू ए से लेके 25 तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको काउंट करना है,
तो ए से लेकर 25 तक का डिस्टेंस हो गया 5, तो ये हम लिखेंगे 5। तो कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 65 किलो न्यूटन मीटर। तो फाइनली ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा था फाइंड द सिंगल रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। तो ये देखिए सबसे पहले हमने रिजल्टेंट के स्टेप्स यहां पे फॉलो किए और यहां पे हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट किए आर। देन सेकंड बिट में कहा था फोर्स सिस्टम एट डी, इट मींस मोमेंट एट पॉइंट डी, वो हमने सॉल्व कर दिए। थर्ड स्टेप में कहा था फोर्स सिस्टम एट ए, तो वो भी हमने सॉल्व कर दिए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नंबर ऑफ टाइम्स अभी तक ये प्रॉब्लम एग्जाम में आ चुका है, तो इसका प्रिपरेशन आपको करना चाहिए। तो ये था मोमेंट ऑफ फोर्स का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स के और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक्स लिए थे, तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।